दोस्तों अगर आप भी शमी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और गेंदबाज भी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शमी की घातक गेंदबाजी पर अब तो इमरान खान ने भी होश उड़ाने वाला बयान दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने झंडे के साथ सेलिब्रेशन करने पर ऐसा कहा ना कि सुनकर हर कोई दंग है। आपको उनके बयान का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शमी ने क्या झंडे के साथ सेलिब्रेशन कर सही किया है गलत? हाँ या ना नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारत ने ऐसी जीत दर्ज करी है कि पूरी दुनिया में केवल एक ही चर्चा है कि इस बार का विश्व कप केवल और केवल भारतीय क्रिकेट टीम का है। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच का दोस्तों ये मुकाबला लखनऊ के ऐतिहासिक मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि टॉस हम नहीं जीत पाए, लेकिन मैच में शुरुआत भी बहुत खराब थी। देखिए विराट कोहली के साथ शुभमन गिल और अय्यर 9-0 और 4 पर आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा की 87 रन की हीरोइक कप्तानी वाली पारी ने ना भारत की इज्जत को बचा लिया था। और फिर राहुल और सूर्यकुमार यादव भी 39 और 49 रन लगा गए, जिससे कि हम 229 तक पहुंच गए और 230 का दोस्तों हमने टारगेट सेट किया। जाहिर सी बात है टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसे बहुत ही ज्यादा विशालकाय बना दिया हमारे गेंदबाजों ने, क्योंकि दोस्तों शमी और बुमराह ने ऐसा काम किया ना जो कि पूरे विश्व कप में किसी भी गेंदबाजी यूनिट ने नहीं किया होगा। इंग्लैंड की टीम इससे पहले की जीत का सपना देख भी पाती, 200 डेविड मलान को ना 16 रन पर बुमराह ने क्लीन बॉल कर दिया। इसके बाद जो रूट को उन्होंने 0 पर LBW करा दिया। बेन स्टोक्स को दोस्तों शमी ने 0 पर क्लीन बोल्ड किया, तो वहीं जॉनी बेस्टो को भी उन्होंने 14 रन पर बोल्ड मार दिया था। इसके बाद दोस्तों मोइन अली भी ना शमी की गेंद पर 15 रन पर कैच आउट हो गए। हाँ आगे चलकर दोस्तों कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने भी एक एक अहम विकेट लिया, लेकिन शमी ने आदिल रशीद को आउट किया तो बुमराह मार्कवुड का विकेट ले गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल और केवल 7 ओवर में ना 22 रन देकर शमी ने 4 विकेट अपने नाम किए। उधर बुमराह भी कोई पीछे नहीं थे, 6.5 ओवर में उन्होंने भी 32 रन देकर 3 विकेट निकाले और इन दोनों की दमदार गेंदबाजी के जबरदस्त प्रदर्शन से हम इस मैच को पूरे 100 रन के अंतर से जीतकर 12 अंकों के साथ ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं। दोस्तों खिलाड़ियों की गेंदबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरी दुनिया में इनकी तारीफ हो रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इमरान खान ने भी शमी की गेंदबाजी की ना जमकर तारीफ कर दी है, परंतु तिरंगे को लहराने पर कुछ ऐसा भी कह गए कि सुनकर हर कोई दंग है। आपको बताए दोस्तों के पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने कहा, पिछले कई सालों में मैंने विश्व कप देखा है, लेकिन शमी जैसी एग्रेसिव गेंदबाजी कभी किसी की नहीं देखी। भाई 2 मैचेस में 9 विकेट्स लेना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है, इतने बड़े रिकॉर्ड्स कोई अनुभवी खिलाड़ी बना सकता है शमी जैसा। ये वाकई में कामयाब खिलाड़ी इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्किल पर मेहनत की और जब मौके मिले तब कैसे भुनाते हैं ये कोई शमी से ही सीखे। 2 मैच मिले और 9 विकेट ले डाले और इंग्लैंड को तो कच्चा ही चबा गए। वाकई में शमी आपकी गेंदबाजी का फैन हो गया हूँ, लेकिन एक तरफ ये भी कहना चाहूँगा कि मैदान में हर दफ़ा झंडे से सेलिब्रेशन करने से विरोधियों को नीचा दिखाना भी सही नहीं है। आपकी गेंदबाजी भले ही अच्छी हो, लेकिन इस तरीके से सेलिब्रेशन मैदान में ना करें। दोस्तों इमरान खान लगता है कि बुरी तरीके से झुलस गए हैं। देखिए शमी की तारीफ तो करनी पड़ेगी, पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन तिरंगे पर उनका ये कहना वाकई में आपत्तिजनक है, ठीक नहीं है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, शमी ने तिरंगे के साथ सेलिब्रेशन कर सही किया या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।